Hello everyone, in this video explanation we will read the first chapter of class 7 English, of Living English class 7. The first chapter says Wonder. August Pullman has been homeschooled by his mother as he has had multiple surgeries throughout his childhood. अभी यहाँ बात हो रही है ऑगस्ट पुलमैन के बारे में, जिनको कि होम स्कूल्ड किया गया था, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई घर पे ही होती थी उनकी माँ के द्वारा, क्योंकि उनके बचपन से ही उनकी काफ़ी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, मल्टीपल कई सर्जरीज हो चुकी हैं. अब 10 साल की एज में ही इज़ एडमिटेड इन फिफ्थ ग्रेड इन बीचर प्रेप स्कूल. अब 10 साल की एज में वो पांचवी कक्षा में बीचर प्रेप स्कूल में उनका दाखिला हुआ है टू मेक हिम एक्सपीरियंस स्कूल लाइफ, ताकि वो स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंडर बाय आर जे पलाशियो, ऑगस्ट टॉक्स अबाउट हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ. इस स्टोरी में ऑगस्ट अपनी फैमिली और अपने बारे में बातें कर रहे हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज नैरेटेड बाय ऑगस्ट न्यू फ्रेंड समर. जो दूसरा एक्सट्रैक्ट है इस स्टोरी का, उसको नैरेट किया है ऑगस्ट के फ्रेंड समर ने. अभी ऑगस्ट कह रहा है व्हाई आई डिडंट गो टू स्कूल. ऑगस्ट बता रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता था. आई नो आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी 10-year-old किड. आई मीन श्योर आई डू ऑर्डिनरी थिंग्स. आई ईट आइसक्रीम, आई राइड माई बाइक, आई प्ले बॉल, आई हैव एन एक्सबॉक्स. स्टफ लाइक दैट मेक्स मी ऑर्डिनरी आई गेस, एंड आई फील ऑर्डिनरी इनसाइड. But I know ordinary kids don't make other ordinary kids run away screaming in playgrounds. I know ordinary kids don't get stared at wherever they go. But I'm kind of used to how I look by now. I know how to pretend I don't see the faces people make. We've all gotten pretty good at that sort of thing. Me, mom and dad. Vaya. Actually, I take that back. Vaya's not so good at it. She can get really annoyed when people do something rude. Vaya doesn't see me as ordinary. Vaya कौन है? तो Vaya यहाँ पे sister है इस August की. वो कहती है कि वो मुझे ordinary नहीं मानती. Now reading the story once again, वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक 10 साल का ordinary बच्चा नहीं हूँ. मेरा कहने का मतलब है मैं ऑर्डिनरी चीज़ें करता हूँ. मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं बाइक्स पे चलता हूँ, मैं बॉल से खेलता हूँ, मेरे पास एक एक्सबॉक्स भी है, मतलब एक वीडियो गेम सेट भी है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऑर्डिनरी किड बनाती हैं, मुझे ऐसा लगता है. आई गेस एंड आई फील ऑर्डिनरी, और मैं ऑर्डिनरी फील भी करता हूँ खुद को. लेकिन मुझे पता है कि ऑर्डिनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड्स. लेकिन मैं जानता हूँ कि जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो बाकी ऑर्डिनरी किड्स को प्लेग्राउंड से दौड़कर भागने को मजबूर नहीं करते हैं. मुझे पता है कि ऑर्डिनरी किड्स किसी को देखकर घबराते नहीं हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी जाएँ. बट आई एम काइंड ऑफ यूज टू. मुझे पता है कि जो ऑर्डिनरी किड्स होते हैं वो दूसरों को घूर कर नहीं देखते. हालांकि मैं इन चीज़ों का आदी हूँ. आई डोंट सी द फेसेस पीपल मेक. मैं लोगों के चेहरे पर, मैं जानता हूँ कि लोग मेरे चेहरे को देखकर या मुझे देखकर मेरे बारे में क्या कुछ सोचते हैं. तो मैं खुद को ऑर्डिनरी मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ. और यहाँ वो बात कर रहे हैं अपनी मम, अपनी डैड और अपनी सिस्टर के बारे में, जिन सबको लगता है कि उनका ये जो बच्चा है, दिस ऑगस्ट इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी किड. वो एक सामान्य बच्चा है. लेकिन हाँ, वाया जो उसकी बहन है वो मुझे ऑर्डिनरी नहीं मानती. वो कहती है शी सेज शी डज, बट इफ़ आई वर ऑर्डिनरी शी वुडंट फील अलाइक नीड्स टू प्रोटेक्ट मी एज मच. क्योंकि अगर वो मुझे ऑर्डिनरी मानती तो शायद उसे मुझे बचाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती. मतलब मेरी सिस्टर जो है वो मुझे हमेशा बचाने की कोशिश करती है चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि वो मुझे ऑर्डिनरी नहीं मानती. दे सी मी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर को लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ. मतलब यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे बच्चे की जो शायद परेशान है. ही इज़ परप्लेक्स्ड, ही इज़ इन कॉम्प्लेक्सिटीज़, ही इज़ क्वाइट इन अ मूड ऑफ सफरिंग. क्योंकि बाकी लोगों की तरफ वो नॉर्मल तो है, लेकिन जो बाकी लोगों का बिहेवियर है उसकी तरफ, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इन द नेक्स्ट पेज वी सी
आई थिंक द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु रियलाइजेज हाउ ऑर्डिनरी आई एम इज मी. अभी वो कहता है, ऑगस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक ही इंसान है जो मुझे जानता है कि मैं ऑर्डिनरी हूँ, और वो और कोई नहीं, वो मैं खुद हूँ. माई नेम इज़ ऑगस्ट बाई द वे, आई वोंट डिस्क्राइब वॉट आई लुक लाइक. वो कहता है कि मेरा नाम ऑगस्ट है, मैं ये नहीं बताने वाला कि मैं कैसा दिखता हूँ. वट एवर यू आर थिंकिंग इट्स प्रोबेबली वर्स, तुम जो सोचते हो मैं उससे भी ज़्यादा ख़राब हूँ, मैं उससे भी ख़राब दिखता हूँ. नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट फिफ्थ ग्रेड, अगले वीक मैं पाँचवीं क्लास में जाऊँगा. सिंस आई हैव नेवर बीन टू अ रियल स्कूल बिफोर, आई एम प्रीटी मच टोटली एंड कम्प्लीटली पेट्रीफाइड. अभी क्योंकि आज तक मैं कभी किसी स्कूल में गया नहीं हूँ, तो मैं खुद को काफ़ी कम्प्लीटली पेट्रीफाइड, काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ. मैं 10 साल का हो चुका हूँ. आई हैवंट गॉन टू स्कूल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, इट्स नॉट दैट. अभी ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द सर्जरीज आई हैव हैड, क्योंकि मेरी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं. 27 ईयर्स सिंस आई वॉज बॉर्न, 27 साल मेरे जन्म से. दैट्स वाई माई पेरेंट्स डिसाइडेड इट वॉज बेटर इफ आई डिडंट गो टू स्कूल, आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ. ऐसा इसलिए कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं शायद ज़्यादा बेहतर है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँ, तो मैं अब काफ़ी मजबूत हो चुका हूँ, आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ. द लास्ट सर्जरी आई वॉज 8 मंथ अगो, जो पिछली सर्जरी हुई है मेरी वो लगभग 8 महीने पहले. एंड आई प्रोबेबली वॉन्ट हैव टू हैव एनी मोर फॉर अनदर कपल ईयर्स, और शायद अगले कुछ एक सालों तक मुझे इन सर्जरीज की आवश्यकता ना पड़े. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो सर्जरीज से परेशान हैं और हर कुछ समय पर उनकी सर्जरीज होती ही रहती हैं. मॉम होम स्कूल्स में, तो मॉम मुझे घर पे ही रखती हैं, घर पे ही पढ़ाती हैं. शी यूज़ टू बी अ चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर, वो एक बच्चों की बुक जो है वो मुझे इलस्ट्रेट करती हैं, वो दिखाती हैं. शी ड्रॉज रियली ग्रेट फेयरीज एंड मरमेड्स, वो काफ़ी अच्छी सुंदर फेयरीज पढ़ियों की तस्वीरें बनाती हैं, मरमेड्स की तस्वीरें बनाती हैं. हर बॉय स्टफ इजंट सो हॉट दो, आई हैवंट सीन हर ड्रॉ एनीथिंग इन अ लॉन्ग टाइम. वो कहते हैं कि उनका वो कैसे मेल चिल्ड्रन को ड्रॉ करती हैं ये तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें बनाते हुए. आई थिंक शी इज़ टू बिजी टेकिंग केयर ऑफ मी एंड वाया, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बिजी रहती हैं मेरी और मेरी सिस्टर की केयर करते करते. आई कांट से आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बिकॉज दैट वुड बी एग्जैक्टली ट्रू. अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं स्कूल जाना चाहता था हमेशा से, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो शायद ये झूठ है. वॉट आई वॉन्टेड वॉज टू गो टू स्कूल बट ओनली इफ़ आई कुड बी लाइक एवरी अदर किड गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जाना चाहता था लेकिन सिर्फ उसी शर्त पे कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल का बच्चा माना जाऊँ, हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल एंड स्टफ लाइक दैट. मैं भी चाहता था कि मैं बाकी बच्चों के साथ स्कूल में खेलूं, उनके साथ स्कूल्स के बाद भी मैं उनके साथ खेल सकूं, बातें कर सकूं, इधर उधर घूम सकूं. तो इस फर्स्ट पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि कैसे ऑगस्ट परेशान है अपने ही कंडीशन को लेकर, कि उसकी सर्जरी बार बार होती है और वो परेशान है क्योंकि उसकी माँ उसके लिए परेशान है और उसकी बहन उसके लिए परेशान है. वो खुद को स्कूल जाते देखना चाहता है लेकिन फिर वो अपने आप के साथ जो डिफरेंसेस पाता है स्कूल में वो उस चीज़ से नाराज़ है. ही इज अपसेट विद द डिफरेंसेस दैट ही फाइंड्स व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द अदर स्टूडेंट्स. अब दूसरा पार्ट है समर वियर्ड किड्स. सम किड्स हैव एक्चुअली कम आउट एंड आस्क मी व्हाई आई हैंग आउट विद द फ्रीक सो मच. अभी कुछ बच्चे मेरे पास आए और पूछते हैं कि फ्रीक का मतलब कि कैसे मैं भला इतना अजीब दिख सकता हूँ. दीज आर किड्स हु डोंट इवन नो हिम वेल, ये तो वो बच्चे हैं जो उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं. इफ़ दे न्यू हिम दे वुडंट कॉल हिम दैट, ये शायद वो बच्चे हैं जो ऑगस्ट को अच्छे से नहीं जानते हैं और शायद इसलिए वो उन्हें ऐसा कहते हैं. सेकेंड पार्ट जो हमने पहले ही पढ़ा कि ये ऑगस्ट के एक नए फ्रेंड समर ने उसके बारे में लिखी है कि कुछ बच्चे हैं जो उसे फ्रीक कहते हैं, मतलब जो देखने में अजीब लगता हो. तो समर का कहना है कि ये बच्चे पता नहीं क्यों उसे फ्रीक कहते हैं, शायद वो उसे जानते ही नहीं. बिकॉज ही इज़ अ नाइस किड आई ऑलवेज एंसर एंड डोंट कॉल हिम दैट. वो समर अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो उसे काफ़ी पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. यू आर सेंट समर. जिमा शिन सेड टू मी द अदर डे आई कुडंट डू व्हाट यू आर डूइंग. अभी समर को एक शिमेना
चिन नाम की कोई महिला है जो कहती है कि तुम बिल्कुल अच्छे इंसान हो, यू आर अ सेंट, तुम बिल्कुल सज्जन हो, यू आर अ गुड नेचर्ड किड, तुम जो कर रहे हो वो मैं तो कर ही नहीं सकती। अभी मैंने भी उन्हें रिप्लाई किया कि इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जूलियन हैड निकनेम हिम द ज़ॉम्बी किड, क्लास में एक और बच्चे जूलियन ने उसका नाम ज़ॉम्बी किड रख दिया था, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन वाज कॉलिंग हिम, और शायद इसी नाम से हर बच्चा क्लास में उसको बुलाया करता। डिड यू सी द ज़ॉम्बी किड येट, स्टफ़ लाइक दैट गोज अराउंड फास्ट, क्लासरूम में इसके बारे में चर्चा होती कि क्या तुमने कभी किसी ज़ॉम्बी किड को देखा है, या तुमने क्या ज़ॉम्बी किड को देखा है आज। एंड ऑगस्ट न्यू इट, ऑगस्ट को ये पता भी था। इट्स हार्ड एनफ बीइंग द न्यू किड इवन व्हेन यू हैव अ नॉर्मल फेस, इमेजिन हैविंग हिज फेस। अभी अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल फेस हो तब भी तुम्हें इस बात को बुरा लगेगा, अफसोस होगा, लेकिन यहाँ पे तो बात है कि उसकी उसका फेस भी थोड़ा अजीब सा था। सो ही इज जस्ट अ किड, द वियर्डेस्ट लुकिंग किड आई हैव एवर सीन, बट यस जस्ट अ किड। अभी समर उसके बारे में बता रहा है कि वो एक बच्चा था, हाँ उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा था, वियर्डेस्ट, मैंने आज तक उस जैसे चेहरे वाले बच्चे को नहीं देखा था, बट ही वॉज जस्ट अ किड। नेक्स्ट वी सी, आई डू एडमायर ऑगस्ट फेस टेक्स सम गेटिंग यूज टू। मुझे भी लगता है कि अगस्त का फेस ऐसा था जिसको कि सबकी आदत हो चुकी थी। आई हैव बीन सिटिंग विथ हिम फॉर नेक्स्ट 2 weeks नाउ, अभी मैं पिछले 2 weeks से उसके साथ बैठ रहा हूँ, एंड जस्ट दिस से ही इज अदर देन दैट, वो उससे थोड़ा अलग है, मतलब जैसा लोग उसके बारे में बातें करते हैं वो उससे थोड़ा अलग है। आई शुड ऑल्सो से दैट आई डोंट रियली फील सॉरी फॉर हिम एनीमोर, अभी मुझे उसके बारे में सोच कर ज़्यादा बुरा नहीं लगता। आई कीप सिटिंग डाउन विद बिकॉज ही इज़ फन, मैं उसके साथ इसलिए बैठता हूँ क्योंकि उसके साथ बैठना मुझे काफ़ी फन लगता है। आई हैड वॉर्न्ड मम अबाउट अगस्त फेस, मैंने अपनी माँ को भी अगस्त के फेस के बारे में बताया है, मैंने उन्हें डिस्क्राइब किया है कि वो कैसा दिखता है। आई डिड दिस, मैं उन्हें बताना चाहता था, आई नो शी इज़ नॉट ऑलवेज सो गुड एट फेकिंग हर फीलिंग्स, एंड ऑगस्ट वॉज कमिंग ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल कभी झूठ के एक्सप्रेशंस नहीं दिया करती, तो इस बार मैं चाहता था, क्योंकि समर के घर पे अगस्त पहली बार जा रहा है, तो वो चाहता था कि वो अपनी माँ को ये सब बातें बता दे। बट आई कुड टेल फ्रॉम द एक्सप्रेशन दैट हर फेस व्हेन शी केम होम आफ्टर आई हैडन्ट प्रिपेयर हर इनफ, लेकिन मुझे लग गया, मैं बता सकता हूँ कि मेरी माँ का जो एक्सप्रेशन था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने जो अपनी माँ को अगस्त के बारे में समझाया था, तो शायद वो पूरी तरह से अगस्त को समझ नहीं पाई थी, मतलब कि समर ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो अपनी माँ को अगस्त के बारे में सब कुछ बता सके, ताकि जब अगस्त उनके घर पे आए तो उनकी माँ वियर्ड फील ना करे। तो अब क्या कहा जा रहा है कि शी वॉज सॉफ्ट when she came through the door and saw his face for the first time, अभी मेरी माँ बिल्कुल शॉक में आ गई जब उन्होंने उसके चेहरे को देखा। Hi mom, this is Augie, can he stay for dinner? I asked quickly. It took a second for my question to even register. अभी जब अगस्त मेरे घर के दरवाजे पे आया, तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और वो देखते ही थोड़ा सरप्राइज हो गई, वो शॉक रह गई। मैंने जब पूछा कि मॉम क्या ऑगी आज हमारे साथ डिनर पे रुक सकता है, तो मेरी माँ को कुछ समय लगा इस क्वेश्चन को समझने में। हाय ऑगी, शी सेड, ऑफ कोर्स स्वीट हर्ट, इफ़ इट्स ओके विथ ऑगीज मदर, वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर ऑगी की मदर तैयार है, ऑगी मतलब अगस्त की मतलब अगर कि माँ अगर तैयार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वट ऑगी कॉल्ड इज मदर, वाइल ऑगी कॉल्ड इज मदर ऑन इज सेल फोन, आई विस्पर्ड टू मॉम, स्टॉप मेकिंग दैट वियर्ड आउट फेस। She nodded quickly that she hadn't realized she was making a face and she was really nice and normal to Augie afterward. अभी जब Augie अपनी माँ से बात कर रहा था, इसी वक्त मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ प्लीज़ इस तरह के चेहरे मत बनाओ Augie को देखकर, तो उन्होंने nodded, उन्होंने भी agreement में सिर हिलाया, nodded मतलब agreement में सिर हिलाना, सहमति में सिर हिलाना। वो कहती हैं कि हाँ, उन्हें नहीं पता था कि वो उनका एक्सप्रेशन थोड़ा ख़राब था या थोड़ा अजीब था, तो उसके बाद Augie के साथ, अगस्त के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप बनाकर चल रही थी। आफ्टर वाइल Augie एंड आई गॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट्स एंड वेंट टू हैंग आउट इन द लिविंग रूम, अभी उसके बाद Augie और मैंने अपना प्रोजेक्ट साथ में बनाया और फिर हम उसके साथ
लिविंग रूम में हैंग आउट, मतलब थोड़ा समय बिताने के लिए चले गए। हे ऑगी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ये ही सेड लाइक ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू आस्क। अभी मैंने पूछा कि ऑगी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऑगी ने भी ये कहा, मतलब शायद उसे पता था कि मैं उससे क्या पूछने वाला हूँ। आई हेजिटेटेड, आई हैव बिन वॉन्टिंग टू आस्क हिम फॉर अ वाइल बट आई ऑलवेज लॉस्ट द गट्स टू आस्क। मैंने उसे कई बार कोशिश की थी कि मैं ये क्वेश्चन उससे पूछूं, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई नेवर हैड गट्स, मतलब हिम्मत नहीं होना। वट ही सेड, यू वॉन्ट टू नो वट्स रॉन्ग विथ माई फेस? वो पूछता है कि क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि मेरे चेहरे के साथ क्या हुआ था? ये आई गेस इफ इट इज़ ओके फॉर मी टू आस्क। तो समर कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर मैं ये पूछूँ तो तुम्हें बुरा ना लगे। ही श्रग्ड, वो थोड़ा श्रग करता है, वो थोड़ा झेपता है। आई वाज सो रिलीव्ड दैट ही डिडंट सीम मैड और सैड। मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि वो इस क्वेश्चन के पूछने के बाद भी सैड या फिर गुस्से में नहीं था। ही डिडंट सीम मैड और सैड। ये इट्स बिग नो डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ही सेड कैजुअली, वो बड़े आराम से कहता है, द मेन थिंग आई हैव इज दिस थिंग कॉल्ड मैन डिब्यूलोफेशियल डायस्टोसिस विच टुक मी फॉरएवर टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस। वो कहता है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मेरे साथ एक समस्या है, आई एम डिब्यूलोफेशियल डायस्टोसिस, मेरे साथ ये समस्या है जिसके कारण कि मुझे काफ़ी समय लगा कि कैसे चीज़ों को प्रोनाउंस करना है, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। बाय द वे, बट आई ऑल्सो हैव दिस अदर सिंड्रोम थिंग विच आई कांट इवन प्रोनाउंस। और मेरे साथ एक और बीमारी है जिसका कि शायद मैं प्रोनाउंस कर भी नहीं सकता, जिसे मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब मैं उसको बोलना भी नहीं जानता। एंड दीज थिंग्स काइंड ऑफ जस्ट मॉफ टुगेदर इन टू वन बिग सुपर थिंग विच इज सो रेयर दैट दे डोंट इवन हैव अ नेम फॉर इट। और यही नहीं, इन दोनों बीमारियों ने मिलकर मेरे बॉडी में एक और ऐसी बीमारी, एक ऐसी कमी पैदा कर दी जिसको कि शायद मैं एक साथ बता भी नहीं सकता या इनका कोई नाम भी नहीं है। आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग और एनी थिंग। वो कहता है कि मुझे इस बात पर कोई घमंड नहीं, बट आई एम एक्चुअली कंसिडर्ड समथिंग ऑफ अ मेडिकल वंडर, यू नो। वो कहता है कि मुझे इस बात पर जरा भी घमंड नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक मेडिकल वंडर हूँ, मैं एक अजूबा हूँ, मैं एक मेडिकल वंडर, एक अजूबा हूँ। ही स्माइल्ड, इट वॉज अ जोक। कहता है कि ये तो तुम जोक कर रहे हो, यू कैन लाफ। आई स्माइल्ड एंड शुक माई हेड। वो कहता है कि तुम जोक कर रहे हो, तुम एक चुटकुला सुना रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। आई स्माइल एंड शुक माई हेड। मैं भी मुस्काया और अपना गर्दन हिलाया। यू आर फनी ऑगी, आई सेड। अभी समर कहता है कि ऑगी मैं समझ गया कि तुम काफ़ी फनी हो। यस आई एम, ही सेड प्राउडली, आई एम कूल बीन्स। कहता है कि मैं बिल्कुल कूल बीन्स हूँ, मैं काफ़ी मैं हमेशा कूल रहता हूँ। तो हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर वो ये बता रहा है कि हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही इज, मतलब कितना पॉजिटिव है ये ऑगस्ट नाम का बच्चा। इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि क्लासरूम में जब बाकी बच्चे उसके लुक्स का मजाक उड़ाते थे तो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वो हमेशा अपने काम में लगा रहता। तभी उसका एक अच्छा फ्रेंड बनता है समर, जो कि उसके बारे में हमें स्टोरी में काफ़ी कुछ बताता है और उसके बीमारी के बारे में भी हमें मालूम पड़ता है दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टू डिजीजेस, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टू सिंड्रम्स एंड ही इज़ नॉट श्योर हाउ ही विल बी फिट, बट ही इज़ एंजॉइंग द लाइफ ऑफ हिज फिटनेस। इन टुडेज वीडियो दैट्स इट। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल टॉक अबाउट अनदर स्टोरी, अनदर क्वेश्चन आंसर। सो टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।